वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सीखेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो तो अब टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सीखते हैं। न्यूज में ये आए दिन आ रहा है टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। पहले तो ये टू चाइल्ड पॉलिसी क्या होती है? जब गवर्नमेंट रूल बनाती है कि आपके दो से ज्यादा अगर बच्चे हो गए तो आपको सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, गवर्नमेंट इलेक्शन में जो अगर आपको एज अ कैंडिडेट खड़े होना है इलेक्शन में जीतने के लिए तो इलेक्शन में भी आपको खड़े होने नहीं दिया जाएगा। ऐसे जब रूल्स बनाती है गवर्नमेंट तो उसे बोलते हैं टू चाइल्ड पॉलिसी। इंडिया के कई राज्यों में लोकल लेवल पर ये टू चाइल्ड पॉलिसी के रूल्स देखे गए हैं। अभी ये न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि गुजरात के अंदर राजकोट और वडोदरा जैसे जो एरिया है वहां पर लोकल एरिया के इलेक्शन में 3 कैंडिडेट को डिसक्वालीफाइड कर दिया क्योंकि उनके 2 से ज्यादा बच्चे थे। अब यहाँ पर इसलिए डिबेट छिड़ गए कि क्या इंडिया के अंदर टू चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टू चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, उसके फेवर में जो बातें आ रही है निकल कर उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला फेवर में पॉइंट अगर आ रहा है, मुद्दा आ रहा है, तो वह है कि रिसोर्स पर बर्डन बढ़ता है अगर बच्चे ज्यादा होते हैं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होता है। इंडिया जैसी कंट्री में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड का 1/5 to 1/6 टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में ही दिखाई देता है। मतलब कि वर्ल्ड के अंदर 600-700 करोड़ लोग हैं तो उसमें से तकरीबन 125 से 150 करोड़ लोग तो अकेले इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो इंडिया के रिसोर्सेज पर ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, जमीन, ये सारी चीजों का यूज करते हैं और ये सारी चीजों की ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफी डिमांड है और डिमांड बढ़ जाती है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और काफी लोग फिर ये इलेक्ट्रिसिटी और गवर्नमेंट के अलग अलग फैसिलिटी से वंचित रह जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो ये क्वांटिटी में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्वालिटी में नहीं। मतलब कि लोग तो बढ़ रहे हैं बट लोग एजुकेटेड उतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए, स्किल उनके अंदर नहीं है, उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है ताकि उनको जॉब मिल सके। गरीबी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन। तो ये सारी चीजें हैं। और भी अगर हम बात करें क्यों टू चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो अवेयरनेस फैलेगी, फैमिली प्लानिंग अच्छी होगी, हर कपल शादी के बाद डिसाइड कर लेगा कि एक दो बच्चे हो गए उसे किस तरह से एजुकेशन देना है, कैसा हेल्थ प्रोवाइड करना है। हेल्थ से ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब माँ 2 से ज्यादा बच्चों को पैदा करती है, जन्म देती है, तो जो माँ होती है उनकी भी बॉडी पर असर होती है, उनके भी बॉडी से काफी न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं जैसे कि आयरन और दूसरे सारे चीजें, जिसकी वजह से भी इंडिया के अंदर औरतों के अंदर बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है। अब अगर हम बात करें कि टू चाइल्ड पॉलिसी क्यों इंडिया में नहीं होनी चाहिए तो सबसे पहली चीज कि इंडिया के अंदर जो मेंटालिटी है वो बदलना बहुत मुश्किल है। इंडिया के अंदर बच्चों को भगवान की देन माना जाता है और इंडिया के अंदर काफी सालों से वी टू अवर्स टू, मतलब कि हम दो हमारे दो प्रोग्राम भी चल रहा है पर काफी उसकी जो ग्राउंड लेवल पर असर देखी जानी चाहिए वो देखी नहीं गई है। ग्लोबल लेवल की भी बात करें तो वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे कंट्री ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने काफी रूल्स बनाए बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। उसमें से एक लाइव एग्जांपल है चाइना। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, काफी हद तक वो वन चाइल्ड पॉलिसी में तो सक्सेसफुल रहे इंप्लीमेंट करने में बट उसके साइड इफेक्ट जो आए उसकी वजह से चाइना ने ही अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को कैंसिल कर दिया। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि बच्चे कम पैदा करो ऐसे वक्त में क्या होता है तो यंग पॉपुलेशन कम हो जाता है कंट्री के अंदर, जो यंग लोग होने चाहिए, बच्चे जो होने चाहिए वो कम होते हैं और इन पर ही उनके माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी और फैमिली के बड़े लोगों का बर्डन आ जाता है, संभालने का बर्डन आ जाता है। कंट्री के अंदर एक्टिव पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम हो जाता है, इसलिए टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब इंडिया के अंदर एजुकेशन बहुत बढ़ रहा है तो ज्यादातर जगहों पर जनरली हम देख रहे हैं कि अब जो शादियां हो रही है उसके बाद जो बच्चे हो रहे हैं कपल्स के, वो जनरली कपल 2 या 3 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एजुकेशन। इसके साथ महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि जो फैमिली प्लानिंग है या फिर कितने बच्चे माँ बाप को पैदा करने चाहिए वो माँ बाप के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था तो कुछ तो उसके पीछे भी लॉजिकल रीजन होगा।
फिर इंडिया कैसा है, बहुत सारे धर्मों का देश है, अगर इंडिया के अंदर हम रूल बना देते हैं टू चाइल्ड पॉलिसी का, तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये मेरे धर्म के अंदर इंटरफेयर हो रहा है, क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान की देन है, तो काफ़ी लोग ये टू चाइल्ड पॉलिसी के अगेंस्ट भी जाएंगे, ये कहकर कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है, हमारा धर्म तो फ्रीडम दे रहा है, आज़ादी दे रहा है बच्चे पैदा करने की, जबकि गवर्नमेंट रूल बनाकर ये धर्मों के अंदर इंटरफेयर कर रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम लोग रिप्लेसमेंट एज की तरफ पहुंच रहे हैं, मतलब कि अब जनरली कपल्स 2 से 3 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो नॉर्मल है। मतलब माँ बाप जब मरेंगे तब उनके 2 बच्चे वो छोड़कर जाएंगे, जब वो 2 बच्चे मरेंगे तब वो अपने 2 बच्चे छोड़कर जाएंगे। तो लोगों का ये कहना है कि यह अननेसेसरी है टू चाइल्ड पॉलिसी, अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आर्टिकल 21 के अगेंस्ट भी है टू चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। अगर गलती से 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं और गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी वो कपल को, वो फैमिली को नहीं देता है, तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कम होगी, जो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। इसके साथ ही इंडिया के अंदर इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ पॉपुलेशन के रिलेटेड है, उसमें सिग्नेचर की है, उसमें सिग्नेटरी कंट्री बना है कि हम कंट्री के अंदर फोर्सफुली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम टू चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो ये जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमने सिग्नेटरी कंट्री के रूप में जो साइन की है वो वायलेट हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी इमेज और नाम खराब हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अभी टू चाइल्ड पॉलिसी में कैसा होता है कि एक माँ ने अगर 2 बच्चे पैदा किए हैं तो उसके बाद अगर वो तीसरा बच्चा पैदा करती है तो वो फैमिली को, वो कपल को, वो बच्चों को गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी टाइम एक्सीडेंटल डेथ होती है, मतलब कि 2 बच्चे पैदा किए हैं, एक बच्चा मर गया है, अब माँ बाप ने और एक बच्चा पैदा किया है तो गवर्नमेंट के हिसाब से उनके 3 बच्चे हैं, बट एक्चुअली में तो एक मर गया है इसलिए 2 बच्चे हैं। तो ये जो 3 बच्चे हैं बट एक्चुअली में 2 बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट को उन्हें अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए, सारे के सारे राइट्स देने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में तो उनके पास अभी 2 है, बट एज पर द टू चाइल्ड पॉलिसी गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट मानेगी कि इनके 3 बच्चे हैं। तो ये भी एक दिक्कत है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। इसके साथ हम देखेंगे तो काफ़ी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इलेक्शन में जीतने के लिए, इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए भी डिवोर्स का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एज पर द टू चाइल्ड पॉलिसी अगर वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे तो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स के 2 से ज़्यादा बच्चे वो शायद डिवोर्स भी ले गए, ये भी समाज के लिए खतरा है। और इसी तरह से हम देखने जाए बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग इलिटरेट हैं, उनको तो ये सारे पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होते और उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। अगर गवर्नमेंट रूल बना देती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उनको गवर्नमेंट अधिकार नहीं देगी, तो ऐसे वक्त में जो फैमिली है देखा जाए तो जो गरीब फैमिली है उनको ज़्यादा नुकसान होगा, ऑलरेडी वो गरीब है, ज़्यादा बच्चे हैं, और ऐसी फैमिली को गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं देगी, सब्सिडी नहीं देगी, गवर्नमेंट जो आप उनके राइट्स है वो नहीं प्रोवाइड करेगी, तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है गरीब लोगों के साथ। अब तो करें क्या, तो चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं, तो मिडल पाथ ये है कि मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को जो सोसाइटी के जो लीडर्स होते हैं उनको एंकरेज करना चाहिए कि वो समाज को सिखाए कि जो 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, गवर्नमेंट को जो धर्म गुरु होते हैं, सेलिब्रिटीज होती है, उनको बोलना चाहिए कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करें कि 2 बच्चे रखने के क्या बेनिफिट है। इसी के साथ गर्ल्स का एजुकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, अगर गर्ल्स ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने आप ही समझदार ज़्यादा होगी, समाज को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को ज़्यादा समझ पाएगी, और इसी वजह से वो खुद ही कम बच्चे पैदा करने का सोचेगी। और एक तरीका ये भी है कि गर्ल्स का जो मैरिज एज है 18 साल, उसे बढ़ाकर 21, 22, 23 साल कर देना चाहिए, तो अपने आप ही लड़कियाँ लेट मैरिज करेगी, उसकी वजह से उनके बच्चे कम पैदा हो गए और अपने आप ही पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आएगा, गर्ल्स का हेल्थ जो है वो भी अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट जो फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स अलग अलग करती है उसके अंदर भी गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज के अंदर सोसाइटी का मेंटालिटी चेंज हो जाए। एक बार अगर माइंडसेट चेंज हो गया, कम बच्चे पैदा करना चाहिए ऐसा समाज को फील होने लगा, तो अपने आप ही टू चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा, अपने आप ही कंट्री का पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा और कंट्री ज़्यादा अच्छे से रन हो पाएगी।
आई होप आपको टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।